भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान चमोली जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत सहित बीजेपी के जिला अध्यक्ष रमेश, पूर्व राज्य मंत्री पुष्पा पासवान सहित तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि विकास के मुद्दों को लेकर भी जनता के बीच जाएंगे। निश्चित तौर पर जिस प्रकार लोकसभा के चुनाव में उन्हें फतेह हासिल हुई है, ठीक उसी प्रकार बद्रीनाथ उपचुनाव में भी वो रिकॉर्ड मतों से विजयी होंगे, क्योंकि आमजन केंद्र और राज्य सरकार के विकास की नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं से खासे खुश हैं। वहीं जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि लगातार जनता का समर्थन उनके पार्टी को मिलना है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के रिकॉर्ड मतों से बद्रीनाथ उपचुनाव में विजय होगी। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो विकास का एजेंडा है और विकास के आधार पर ही हम लोग वोट मांगते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों के अनुसार और उनका जो विजन है उसके अनुसार पूरे राष्ट्र को मजबूती की ओर ले जाना है, उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग भी काम कर रहे हैं। और दूसरे में ऐसा है कि सरकार हर स्तर पे काम कर रही है, चाहे दलित है, चाहे पिछड़े हैं, चाहे गरीब है, हर के लिए उत्थान के लिए काम कर रही है और हम लोग भी उससे अपना काम करेंगे। देखिए, अभी जब लोकसभा के चुनाव आए तो राजेंद्र भंडारी जी ने यहाँ से इस्तीफा इसलिए दिया कि मोदी जी ने जितना काम जो है चमोली जिले के लिए किया है और उत्तराखंड सरकार ने भी चमोली ज़िले के लिए जो जो काम हो सके तो सब किए हैं और इसलिए वो मोदी जी से प्रभावित होके और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और मैं अभी तक जहाँ जहाँ भी गया हूँ लोगों ने मन बना लिया है कि हमको डबल इंजन की सरकार चाहिए। और अब 10 जुलाई को जैसे यहाँ के चुनाव हुए तो जैसे यहाँ से राजेंद्र भंडारी जी विधायक बनेंगे तो जो भी काम रह गए थे वो अब बहुत तेज गति से पूरे हो जाएंगे। और चमोली ज़िले के लोग तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा रहे, 1991 से लेकर आज तक चमोली ज़िले में हमेशा लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। और मैं कह सकता हूँ कि मैं अभी 5 मंडलों का दौरा किया है मैंने, जिलाध्यक्ष भी हम सब साथ गए थे, तो लोगों में बड़ा अच्छा उत्साह भी है और लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ से जीते। और मैं कह सकता हूँ कि लोगों ने अब कांग्रेस का जो गारंटी थी, झूठ की गारंटी, वो भी उनको पता चल गई है।